नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सेलेब लाइफ पर। जैसा कि आप जानते होंगे कि 5 मई को खतरों के खिलाड़ी की टीम रवाना होगी कैप टाउन के लिए, क्योंकि इस बार का सीजन हो रहा है साउथ अफ्रीका में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के कंटेस्टेंट्स के बारे में। जैसा कि आपको भी पता होगा कि रोहित शेट्टी के इस फियर फैक्टर शो में स्टंट देखना भी होता है काफ़ी मुश्किल, तो सोचिए परफॉर्म करना कंटेस्टेंट के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा। अब शूट के लिए जाने से पहले ये सभी कंटेस्टेंट ने रिवील किया अपने डर के बारे में। मुझे एक्चुअली स्पाइडर्स से डर लगता है, क्योंकि बचपन में मुझे काटा था बहुत छोटे स्पाइडर ने, एंड वो उस छोटे स्पाइडर की वजह से मेरे मतलब लेफ्ट शोल्डर बहुत हफ्तों तक मतलब सोर था, क्योंकि लगी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका वो बाइट बहुत ये होता है। तो मुझे स्पाइडर से थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही डर लगता है स्पाइडर से, तो वो एक फोबिया जो है। एंड उसके अलावा जो भी स्टंट्स होने वाले हैं उसके बारे में मुझे आइडिया है नहीं, तो मुझे वहां जाके पता चलेगा कि कैसे स्टंट्स हैं, किससे मुझे कैसे डर लगने वाला है। My biggest fear, I had, I mean, I don't know, I kind of, I was very scared of heights earlier. Okay. Because the first flight that I took was very, very turbulent. So, okay. मैं वो पहले फिर हाइट से बहुत डरता था, but धीरे धीरे because of my shooting, shoot life also, a lot of things where I was standing at the edge of a cliff and then I started, you know, traveling so much. So that kind of fear faded away, but I would love to do some stunt like that. And I think, man, that's scary. Yeah. That is weird because you don't know how an animal is going to react. I'll tell you what, बाल्टी में मैं अपना सर डुबाता हूँ, रोज करता हूँ, तो उससे ना मुझे फीलिंग आ रही है कि यू स्क्विड, क्या ही बोलो, कोई पूल ही नहीं खुला हुआ है। एक बेचारे ने खोला हुआ था तो वो भी बंद हो गया, तो कुछ कर नहीं पाए। और भाई उस समय ना 7:30 बजे बुलाता था मुझे स्विमिंग करने के लिए, तो मैंने कहा यार, एक तो मैं आधे नींद में जाता था ऐसे 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 दिमाग ना, फिर मैं उससे गुस्सा होता था, अरे यार कैसे सिखा रहे हो यार, सही से सिखाओ यार। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जैसे हैं वैसे ही चले जाते हैं भाई, डरावने तो हैं यार। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, देख नहीं देखता तो बेटर होता मेरे लिए, अब देख के ना मेरी थोड़ी हालत खराब हो गई है। ऐसे वो सांप आता ना फिर ऐसा ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उससे ना ही देखो तो बेटर है भाई। मेरा फिलहाल सबसे बड़ा फोबिया है स्नेक्स। वहां जाके कोई नया फोबिया पैदा हो गया वो मुझे आइडिया नहीं, पर फिलहाल तो मेरा स्नेक्स ही है। अगर वो ओवरकम हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। मुझे सब चीज से डर लगता है, लाइक आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई एम अफ्रेड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एवरीथिंग, insects and ye and I'm scared of everything, you know, but they are like that's okay, but you have to do the stunts. I'm like haan wo to main karungi, aap logon ko to pata hai na, you have seen me in Big Boss that I do not give up, kitna bhi difficult I perform, no matter if I take time or if I don't win, but I do it, you know. So that spirit, they liked it and they just said yeah, you are one of the contestants and we would love to take you. Well, it's very difficult. एक cockroach, एक चिपकली घर पे मैं आने नहीं देती हूँ, you know. So वहाँ पे तो oh god, I'm actually very see more than scared, I'm excited. Scared तो हुई no doubt, but उससे भी ज़्यादा excited हूँ कि अपने आप को कैसे face करूँगी, how will I overcome all this fear, you know. तो I'm just excited to do that. Challenges तो बहुत होंगे, but जिन चीजों से मुझे ओवरकम करना है वो है फायर। आई वुड लव टू डू सम फायर स्टंट्स, आई वुड लव टू डू सम हाइट्स का स्टंट्स, बिकॉज आई मतलब मुझे बहुत डर लगता है हाइट्स एंड ऑल से। वाटर तो इम्पॉसिबल है, वो तो करूंगी ही नहीं मैं फॉर श्योर। इंसेक्ट से तो बहुत डर लगता है, बट आई विल गिव अ ट्राई, देयर इज नो हार्म बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड विद सो मेनी पीपल एंड एवरीथिंग, यू नो, so there's no harm in giving a try. तो try तो सब करूंगी, बाकी चीखना चिल्लाना वो तो naturally जितना निकलेगा उतना निकलेगा, but I'm very interested in doing all these things, और just want to overcome my fear, and it's very very difficult यार to do, you know. तुम्हारे body पे दो cockroach छोड़ दिए तो मतलब पानी के task जो हैं वो करने की कोशिश पूरी तरह से करूंगा। तो एक ही फोबिया है, सी
क्या है कि आप हाइट से या फिर गाड़ी से, मतलब ऐसा कुछ कभी डर नहीं लगा है मुझे कि अगर कोई स्पीड में गाड़ी चल रही है या फिर कुछ जर्क आ गया या कोई अचानक से ब्रेकर आ गया तो गाड़ी अगर कूद जाती है, तो उसमें कभी डर फील नहीं हुआ है। लेकिन जब स्विमिंग की बारी आती है, जब तैरने की बारी आती है, पानी में जाने की बारी आती है, तो डर लगता है यार। तो उसी का एक फोबिया है। जब से स्विम फाइनल हुआ है तब से लॉकडाउन चल रहा है, कहीं भी स्विमिंग क्लासेस नहीं चल रही है, तो मतलब वो तो भूल ही जाओ। मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टास्क ऐसे नहीं है कि स्विमिंग करने के लिए ही होते हैं। पानी के टास्क है, देखता हूँ मैं, कोई मतलब ऐसा कुछ भी खास तैयारी ऐसी कुछ नहीं है कि मतलब भाई अब पानी में तैरने की तैयारी क्या करोगे आप, या स्विमिंग तैयारी क्या करोगे, कहाँ करोगे बिना अगर पूल के या फिर कोई नदी के या फिर पोखर के। हाँ, अब जिसे स्विमिंग नहीं आती उसे स्विमिंग का स्टंट तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जिसे सांप और इंसेक्ट से डर लगता है उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टंट उन्हें परफॉर्म करना होगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि किस कंटेस्टेंट को कौन सा स्टंट मिलता है और वो कैसे अपना डर का सामना करते हैं और इससे बाहर निकलते हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 शुरू होगा जून महीने से टीवी स्क्रीन पर, और इसकी तारीख शो शूट होने के बाद रिवील कर दी जाएगी। तो क्या लगता है आपको, रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में आए कंटेस्टेंट में से कौन आखिर तक टिका रहेगा इस शो में? तो कैपटाउन में शूट हो रहे खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 से जुड़ी मजेदार खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सेलेब लाइफ।